ये क्या क्या आरोप हैं या क्या क्या आक्षेप हैं, ये जानकर पूरे देश आश्चर्यचकित होगा। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को इनका जवाब देना पड़ेगा। इनमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है, सबसे पहले मैं उसको उठाना चाहूंगा, ये है राहुल गांधी जी की नागरिकता को लेकर। ये सबसे पहला सवाल ये पूछा गया, क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, क्योंकि ये डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन एज टू नेशनैलिटी, ये एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि 2004 के उनके इलेक्शन एफिडेविट में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बैक ऑप्स लिमिटेड इस नाम के एक कंपनी में इनकी इन्होंने निवेश किया था, और 2005 के इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स जो वहां सबमिट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, इस कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनमें उनकी नेशनैलिटी, राहुल गांधी की नेशनैलिटी जी को, उनकी नागरिकता को ब्रिटिश सिटीजन कहा गया। क्या सवाल यह है, क्या राहुल गांधी उस समय ब्रिटिश सिटीजन बने थे क्या? यदि ब्रिटिश सिटीजन वो बने थे, ये भारत के कानून के उल्लंघन है। द सेकेंड इश्यू पर्टेन्स टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। In different affidavits filed over different elections from 2004 to 2009 parliament, 2014 parliament, and now 2019 parliament elections. In 2004 election affidavit, Mr. Rahul Gandhi's qualifications given, there he had only given two qualifications: a senior secondary school certificate in 1989. We all know that is a 12th standard certificate, and after this he only mentioned MPhil, which he supposedly got from Trinity College, Cambridge University, in development economics in 1995. There was no reference to any other qualification in between. But in 2009 and 2014 affidavits, again there are discrepancies. In 2009 he said he has introduced yet another qualification in between, which is Bachelor of Arts from Rollins College, Florida, in 1994, and MPhil in Development Economics from Trinity College in 1995. This Development Economics, in the next election of the 2014, this qualification becomes MPhil in Development Studies. Either he does not remember what he studied. So I think these are the discrepancies in his educational qualifications. He has to come out and show a document as to what he filed in this election is indeed his educational qualification. I think this is what possibly the advocate has sought time for, and we hope he'll be able to show some paper before Monday or cover himself with unlimited embarrassment. और एक बहुत ही रोचक बात है, राहुल गांधी जी के नाम के व्यक्ति को, किसी को इस प्रकार कोई ट्रिनिटी कॉलेज से कोई डिग्री ना मिला हो, इस प्रकार कई लोगों ने जानकारी हासिल की है। एक एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल विंसी है, वो 2004 में उनके नाम पर कोई एमफिल के डिग्री की जिक्र है, तो हमें देश दिन जानना चाहता है क्या राहुल विंसी जी वही राहुल गांधी जी भी है क्या? उनके संपत्ति के संदर्भ में भी, राहुल गांधी जी के उनके संपत्ति के संबंध में, उनके आय, उनके इनकम, उनके सोर्सेस ऑफ इनकम न बताने का कारण भी आपत्ति जताई गई है। हम उम्मीद करते हैं ये सारे जानकारी देने में राहुल गांधी सक्षम होंगे और इसको पूरी जानकारी देश के सामने रखेंगे।